मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने इन सारे सूट्स पे लगा दिया और आज मैं इनको मिलिट्री बेस देश की सेवा में लेके जा रहा हूँ। वैसे तो इन सूट्स की कॉस्ट कहीं 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन मैं देश की सेवा के लिए सिर्फ इन सूट्स को 100 मिलियन डॉलर में बेच दूंगा। बाकी तो मेरा पैसा इधर उधर लगा पड़ा है, उसका तो पता भी नहीं है। क्योंकि गाइस अब जो भी है मेरे पास ये सूट्स ही हैं। अब जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर मैं मिलिट्री बेस वालों को इस सूट्स को दे देता हूँ। इसके बाद हमारा देश काफ़ी सुरक्षित रहेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ बस आ गया मैं आ गया। ये देखो कर्नल साहब, आपके कहने पर मैंने बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के 4 आयरनमैन के सूट बनाए हैं। कहने को तो मैं गॉड रिचेस्ट आयरनमैन बोला जाता हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि जब आप मुझे 100 मिलियन डॉलर की पेमेंट दे देंगे तो मैं एक इतना कमाल का हल्क बस्टर का सूट बनाऊंगा कि मैं गॉड रिचेस्ट हल्क बस्टर बन जाऊंगा दुनिया का। तो प्लीज़ अब जल्दी से मुझे पेमेंट कर दीजिए। कैसी पेमेंट, काय की पेमेंट, अब तो सूट आ गए, चलो भगो यहाँ से। देश की सेवा में दे रहे हो ना सूट्स को, तो पैसे क्यों ले रहे हो? अब अगर मैं पैसा नहीं लूंगा तो खाऊंगा क्या? हटे यहाँ से, निकल यहाँ से, ये ले रही हूँ। अरे यार कर्नल क्या कर रहा है? मैं असली कर्नल ली हूँ, हमारा कर्नल रेड हल्क है। अबे तेरी तो गाइस इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। चल निकल यहाँ से, आज से तेरा स्टॉक मेंशन, सारी जमीन जायदाद हमारी हुई, चल निकल। अरे गाइस ये क्या, अरे बाप रे दोस्तों, प्लीज मेरी मदद करो, इस वीडियो को लाइक करो मेरे लिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे किसी तरह से यहाँ से भागना होगा और दुनिया का गॉड रिचेस्ट हल्क बस्टर बनने के लिए दोस्तों मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे अमीर होना होगा। अबे चल बे, अब तो तू जिंदगी भर गरीब रहेगा, निकल यहाँ से। और नहीं दोस्तों, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, मुझसे मेरी पूरी जायदाद, मेरा हल्क बस्टर का सपना, मेरा आयरन मैन के सूट सब छीन लिया गया है। अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ किसी झोंपड़ी में रहने के लिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, पहले हम इनकी बातें सुनते हैं क्या होता है। हाँ तो तुम सबके सब मेरी बात सुनो, कल हम जाएंगे और बहुत बढ़िया चोरी करके लाएंगे, कम से कम 5 मिलियन डॉलर होंगे, वो 5 मिलियन डॉलर ठीक है, और कल पैसा चुरा लाए तो मजा आ जाएगा। हाँ जी बॉस जी, किस समय? अब चुप रहो यार, समय मैं खुद बता दूंगा, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, हमें पैसा चुराना है और आ जाना है, समझे तुम? ठीक है बॉस, ठीक है सही है, हम कर लेंगे। हाँ बहुत ही बढ़िया, तो चलो जल्दी मेरे साथ और जल्दी से पैसा वैसा चुराते हैं। गाइस ये सब पैसा चुराने की बात कर रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं ना इनके पैसे चुराए हुए को खुद ही चुरा लूँगा, कल जैसे ही आएंगे पैसा चुरा कर मैं रास्ते में खड़ा होऊंगा। तो दोस्तों आज देखिए ये सब के सब पैसा चुरा क्या रहे हैं, और अब मजा आ गया 5 मिलियन डॉलर पर। एक मिनट, तू कौन है? मैं टोनी स्टार्क हूँ, और अगर तुमने मुझे ये 5 मिलियन डॉलर नहीं दिए तो मेरे 4 आयरन मैन के सूट अभी हवा में उड़ रहे हैं, मैं उनको एक इशारे पर बुलाऊंगा और तुम सबको बॉम्ब से फाड़ देंगे। अब आज चुप रहा, हम तो उससे डरते नहीं है। अच्छा बेटा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये ले तेरी तो अब मार दिया। देखा गाइस, अब मैं काम करता हूँ, अब समय आ गया रिचेस्ट बनने का, क्योंकि मैं गरीब बना पड़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे पैसे इन लोगों से छीन लूंगा और मैं अपना एक आयरन मैन का सूट बनाऊंगा। तो चलो गाइस, यहाँ पर ये सब बेहोश हो चुके हैं, अब समय आ गया इन 5 मिलियन डॉलर को यूज करने का और गॉड रिचेस्ट हल्क बस्टर बनाने का। सबसे पहले मुझे इन पैसों का कुछ यूज करके कुछ कबाड़ी दुकान वालों के पास जाना होगा और वहाँ से सामान खरीदने होंगे, टूल्स खरीदने होंगे, टेक्नोलॉजी खरीदनी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं कबाड़ी की दुकान पर आ गया हूँ। हाँ भैया सही काम धंधा चल रहा है। भाई मुझे असल में एक टूटी फूटी कार चाहिए, साथ साथ में कुछ टूल्स चाहिए, मेरे पास काफी पैसे बताओ। अरे एक लंबोगिनी के पुर्जे सुरजे पड़े हैं, 1 मिलियन डॉलर लगी, बड़ी कॉस्ट 1 मिलियन डॉलर, कोई नहीं मेरे पास 5 है, तो इसमें से 1 मिलियन रख लो, बाकी 4 मुझे दे दो। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया सही है, बताओ कौन सा मॉडल चाहिए? मुझे लेटेस्ट चाहिए, लेकिन छोटी फूटी होनी चाहिए, नई वाली से मेरा काम नहीं चलेगा। साथ साथ मुझे कुछ टूल्स भी चाहिए जिससे कि मैं आयरन मैन के एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाला सूट बना पाऊँ, उसके लिए फिर से 1 मिलियन डॉलर कॉस्ट। ठीक है वो सब इंतजाम हो जाएगा, मेरे पास 5 मिलियन डॉलर है। काम करो तुम सारे पैसे रख लो, लेकिन प्लीज़ मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो दे दो। ठीक है भैया जो मन करे ले जाओ। तो गाइस देखिए 5 मिलियन डॉलर में हमें काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा, अब जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर हम अपना यहाँ पर सामान ले लेते हैं। तो देखिए मैंने ट्रक भी बाय कर लिया है और इसके अंदर सारा कचरा कबाड़ा जो भी मुझे चाहिए मेरा आयरन मैन का सूट बनाने के लिए हमने रख लिया है। आज बहुत ही मजा आएगा क्योंकि हम शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके के हाई लेवल वाला आयरन मैन का सूट बनाएंगे जिसको हम फ्यूचर में हल्क बस्टर में तब्दील कर देंगे, और उस पर हम बढ़िया तरीके का एक कलर रखेंगे पर्पल, जिससे कि वो गॉड रिचेस्ट पर्पल हल्क बस्टर लगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ इंसान
इंसान ज़्यादातर आते नहीं है जिससे कि मैं सेफली अपने सूट को बना पाऊँ। तो दोस्तों अब समय आ गया इस सारे कबाड़े को नीचे उतारने का और टूल्स का यूज़ करके आराम से बढ़िया तरीके से आयरन मैन के सूट को वांक वन बनाने का और उसके बाद गाइज हल्क बस्टर में तब्दील करने का। तो गाइज 5-6 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा मार्क वन का जो सूट की बॉडी है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने इसकी फिनिशिंग भी दे दी है। गाइज अब समय आ गया है इस पर कलर डालने का और इसको और बेटर तरीके से बनाने का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले गाइज मुझे टेस्ट करना होगा कि सूट अच्छी तरह से काम कर भी रहा है या नहीं। कभी ऐसा हो कि मैं सूट पहले ही बना लूँ और ये काम करना बंद कर दे, इसलिए दोस्तों एक काम करते हैं हम सबसे पहले सूट को उड़ाएंगे और लेकर जाएंगे कुछ गूंस के पास, क्योंकि अब मुझे कुछ और पैसे चाहिए, मेरे पैसे सारे खत्म हो गए। अगर मुझे ऐसे हल्कबस्टर बनाना है तो कम से कम 100 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आएगी और यहाँ पर कम से कम 4-5 मिलियन डॉलर तो इन गूंस पे मिल जाएंगे। पता नहीं इतना पैसा कहाँ चुरा के रखते हैं, बताओ पैसा कहाँ है? भैया कचरे में रखा है, कचरे में पैसा रखा है, बेवकूफ हो, जल्दी बताओ और पैसा कहाँ पर है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। देखिए गाइज मेरी पावर है, बाप रे एक मिनट गाइज, ये क्या, मुझे लगता है मेरे सूट की पावर खत्म हो गई है। अरे नहीं ये तो परेशानी हो जाएगी, मारा गया बेचारा। अरे नहीं दोस्तों ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मेरी पावर्स काम करना बंद कर दी हैं। आपको जल्दी से कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और हमारा सारा विजन बर्बाद हो जाएगा। जल्दी बुलाता हूँ। हेलो हेलो रेड हल्क भैया जी, हाँ जी क्या हमने आपके आयरन मैन को पकड़ लिया है, जल्दी आ जाइए। ऐसी बात है, मैं पहले अपने कर्नल को भेज रहा हूँ, उस पर कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है भेज दीजिए कर्नल को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अबे गाइस ही तो रेड हल्क को और उसके कर्नल को बुला रहा है, अबे प्लीज भाई मुझे जाने दे, मुझे दुनिया का रिचेस्ट हल्कबस्टर बनना है। चलो भैया चलते हैं, टोनी स्टार्क पकड़ में आ गया, रेड हल्क बॉस भी आ जाएंगे कुछ टाइम में, पहले मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ असल में टोनी स्टार्क चाह क्या रहा है, उसके मन में क्या है। मैंने तो उससे बोला था वो जिंदगी भर अब गरीब रहेगा, लेकिन वो अभी भी कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहा है और हमारी गैंग से पैसे लूटने की कोशिश करता है। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी स्पीड में जाएंगे और इसकी बैंड बजा डालेंगे, आज ये बचेगा नहीं। बस पहुँच ही गए उधर, हमारे आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी, एक मिनट बोलो। अरे गाइस लगता है ये कर्नल के छेले आ चुके हैं, मतलब रियल कर्नल तो रेड हल्क ही है। अरे तो सब छेले चुप्पे, मैं भी कर्नल ही हूँ, लेकिन हाँ हमारे बॉस रेड हल्क हैं। हाँ तो भैया अब बताओ, ए भैया ये देखो ये रहा तुम्हारा हल्कबस्टर। हाँ हाँ ठीक है, हमको मेरी बात सुन, एक बार मैं गॉड रिचेस पर्पल हल्कबस्टर बन गया ना तुम सबको भिगा भिगा के मारूंगा। अबे बकवास बंद कर, हमारे बॉस कौन है, वही तेरी क्लास लगाएंगे अब तो। अरे यार गाइस मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं यहां से, जल्दी चलता हूं। अरे टोनी स्टार्क स्वागत है, तुझे क्या लगा तू हमारी गैंग से ऐसी निपट लेगा? अबे निपट तो मैं ज्यादा बेटा इनसे, लेकिन दिक्कत तो वहां हो गई जब मेरे सूट की पावर्स डीएक्टिवेट हो गई थी। एक बार चार्जिंग अप हो जाए मेरा सूट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका सूट उतारो जल्दी से, दिक्कत हो सकती है। ठीक है बॉस सूट उतर जाएगा, चिंता ना कीजिए, आप आराम कीजिए। अबे आराम बाद में करूंगा, पहले सूट उतारो। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, उतार लेंगे सूट, आप जाके आराम तो कीजिए। अच्छा ठीक है टोनी स्टार्क पर मिलते हैं। गाइस बहुत हो गया, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, एक काम करता हूँ मेरे पास बची कुछ पावर्स और बचे कुछ बॉम्ब्स का यूज़ करके इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना मैं बॉम्ब दूर जगह फेंक दूँ, इनको लगेगा कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कोई मुझे बचाने आया है, उसके चक्कर में हार बढ़ाएंगे और ज़रूर उसका पीछा करेंगे। तो समय आ गया गाइस बॉम्ब फाड़ने का, और अब आप बॉम्ब फटाया कहीं पर, चलो जाके चेक करो। गाइस देखा रेड हल्क यहाँ से निकल भी गया बॉम्ब फाड़ने के लिए, और भी बॉम्ब फाड़ देता हूँ मैं जिससे कि शक हो जाए। तो देखिए गाइस मेरा सूट काफी चार्ज अप हो चुका है क्योंकि ये सूरज से एनर्जी लेता है, उस वजह से इसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए गाइस समय आ चुका है यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल होने का। एक मिनट गाइस ये कौन है? मजा क्या, बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है, इसका यूज करते ही मैं बहुत खतरनाक हो जाता हूं। ये इंग्रेडिएंट कहाँ से लाया? ये मैं वन टेक्नोलॉजी की लैब में से लाया हूँ, बहुत ही पैसों में मिला भाई, पूरे 25 मिलियन डॉलर। लेकिन अरे मुझे क्यों मार रहा है भाई, मुझे माफ करना, तेरा इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए, इस इंग्रेडिएंट का यूज करके मैं अपने हल्कबस्टर को पर्पल हल्कबस्टर में बदल दूंगा जिससे कि मैं दुनिया का भला कर पाऊँ और गॉज रिचेस बन पाऊँ, उसके बाद रेड हल्क को उसकी औकात बता पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्रेडिएंट हमें मिल गया है, बहुत ही बढ़िया, अब इस इंग्रेडिएंट का यूज करके हम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ, अब समय आ गया है अपने सूट को बढ़िया तरीके से अपग्रेड करने का। तो यहीं पर मुझे हिसाब से अपने सूट को अपग्रेड करना चाहिए, रेड हल्क से पहले मुझे ढूंढ ले, मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। हाँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में गाइस बस कुछ ही समय में हमारा सूट रेडी हो चुका है, अब जल्दी से इस सूट को मुझे पहनना होगा, पहनने के बाद इसकी थोड़ी बहुत पावर टेस्ट करनी होगी, उसके बाद मैं सीधा रेड हल्क की बैंड बजाऊंगा और दुनिया का रिचेस्ट गॉड
पर्पल हल्क बस्टर बन जाऊंगा। तो दोस्तों चलो अब जल्दी से उड़ते हैं और उस नमूने रेड हल्क और उसकी आर्मी को ढूंढते हैं। ये देखिए मैं काफी स्पीड में जा रहा हूँ दोस्तों, वेंजेंस अब मेरा होगा। अरे ये कौन सा आ गया, एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क लगता है। तो तूने सूट बना लिया, तूने हमारा उल्लू बनाया, तू वहां से भाग गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं बेटा, तूने क्या सोचा मैं तुझसे डर के भाग रहा था? नहीं, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो आ चुका है। गाइस बहुत हो गया, अब मैं इसकी बैंड बजाता हूँ। ये ले मोटे, मुझे मोटा बोलता है, रुक बताता हूँ। ये ले, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बुरी तरह से मारूंगा, हट यहाँ से। ये ले, और आप बाप रे बहुत बुरी लग रही है, ये ले। तो देखा गाइस आप लोगों ने, मैंने कितनी बुरी तरह से इस रेड हल्क की बैंड बजा डाली है। अब समय आ गया है गाइस अपना हक वापस लेने का, अपने हल्क बस्टर और सारे साथ में जितने भी सूट्स थे और मेरा स्टार्क मेंशन, उन सबको वापस ले लेने का। तो दोस्तों यहाँ पर रेड हल्क की मैंने अच्छी खासी बैंड बजा दी। अब जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ और जाकर अपने बाकी के सूट्स को बचाता हूँ और बाकी के मिलिट्री बेस के बंदे जितने भी गद्दार हैं उन सबकी भी बैंड बजाता हूँ। तो जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, 1 2 और ये उड़ा मैं पूरी स्पीड में। तो ठीक है मैं बस यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस मैं स्टार्क मेंशन वापस आ गया हूँ। अरे भैया ये टोनी स्टार्क कहाँ से आ गया? देखिए गाइस चारों तरफ मिलिट्री बेस के बंदे हैं। ये लो मेरा स्टार्क मेंशन, छोड़ कर भागो यहाँ से बेवकूफो, नहीं तो बुरी तरह से मारूंगा तुम लोगों को। देखिए गाइस यहाँ पर मैं सबका सफाया कर रहा हूँ, जितने भी गद्दार मिलिट्री बेस वाले हैं इन सब की जरूरत नहीं है हमारे देश को, ये सब यहाँ से मर जाए तो ही बेटर है। तो देखिए गाइस सब कुछ यहाँ पर कचरा हो चुका है, अब इस कचरे को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अपनी रिचनेस और हम बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे फिर से। हाँ तो गाइस 2 घंटे में फाइनली कचरा साफ हुआ और मेरा सारा पैसा वापस आ चुका है और मिलिट्री बेस वाले भी जितने भी बुरे बंदे थे उन सबको मैंने खत्म कर दिया, रेडल को भी हरा दिया है और मैं गॉड रिचेस पर्पल हल्कबस्टर भी बन गया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।